आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, भादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज, सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, 10 साल तक बीजेपी ने हुकूमत किया, अब जब ये फिर इख्तदार में आए हैं तो फिर किसी की सपोर्ट पर, यानी कि ये बैसाखी लेकर चल रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर की एक मोहतरमा और एक शख्स ने इनकी ऐसी बोलती बंद कर दी है कि ये जवाब दे नहीं सक रहे। और आप इस न्यूज को जरूर देखिए क्योंकि आप भी हंस पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर अमित शाह, बहुत ही सूरतें बदल बदल कर और चेहरे पर रंजिश रखकर देख रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों के किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 300 से 340 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए, अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। आप मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं, बांग्लादेश का GDP हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहां पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। प्लीज, तो मेरी गुजारिश है कि जो भी हमने मांगा है उस पर माननीय मंत्री जी गौर करें और मुल्क के एजुकेशन को बचाएं, बेहतर करें। आई नो दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन, इट इज स्टैंड्स ऑफ एंटी मुस्लिम, एंटी SC, एंटी दलित, एंटी स्टूडेंट, एंटी पुअर सेंटिमेंट जगा के ये राज कर रही है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।